शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। राज्य में आने वाले कुछ ही दिनों में गणेशोत्सव का त्योहार आने वाला है, लेकिन मूर्तिकारों में मूर्तियों की ऊंचाइयों को लेकर असमंजस का वातावरण बना हुआ है। प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द मूर्तिकारों को गाइडलाइंस देने की मांग को लेकर सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज संस्था द्वारा आंदोलन किया गया है। राज्य का महामहोत्सव माने जाने वाला गणेशोत्सव इस साल कोरोना काल के कारण असमंजस में उलझ गया। मनपा ने गणेशोत्सव 2020 के लिए अब तक कोई भी खाका तैयार नहीं किया। परिणाम स्वरूप मूर्तिकार और गणेश मंडल दोनों ही मूर्तियों की ऊंचाई को लेकर उलझन में है। यदि मूर्तिकार हर साल की तरह मंडलों के लिए बड़ी मूर्तियों को तैयार करते हैं और प्रशासन ने बड़ी मूर्तियां स्थापित करने की अनुमति नहीं दी तो समस्या पैदा होगी। यही बात मंडलों के पदाधिकारी भी सोच रहे हैं, इसीलिए मूर्तिकारों को ऑर्डर देने में हिचकिचा रहे हैं। इन हालातों के चलते जो काम मई महीने में शुरू हो जाता था वह ठप हो गया है। पिछले सप्ताह शहर के मूर्तिकारों ने मनपा को एक ज्ञापन देकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा, लेकिन मनपा की ओर से किसी भी तरह का निर्णय अभी तक नहीं लिया गया। इसीलिए सोमवर्षीय आर्य क्षत्रिय संस्था द्वारा सोमवार को आंदोलन किया गया। आज सोमवर्षीय आर्य क्षत्रिय समाजातर्फे व मूर्तिकारांतर्फे अकोल्याच्या मूर्तिकारांतर्फे गांधी पुतळा चितारवळ येथे मुख प्रदर्शन करण्यात आले आणि आमच्या मागण्या तिथे सांगण्यात आल्या, जेणेकरून मातीच्या मूर्तीला प्राधान्य द्याव आणि पिवळ पिसा मूर्तीवर बंदी टाकाव। याआधी कोर्टाद्वारे पीओपी मूर्ती बंदी टाकली आणि पुन्हा यांनी पुन्हा पीओपी सुरू होण्यासाठी केंद्र सरकारने त्यांना समोर वाढण्यास सांगितले आणि त्याकरता आम्ही पीओपीच्या विरोधात केलं। आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे मुख्यमंत्री साहेब म्हणतात की मूर्ती लहान साईजचा बनवा, पण लहान साईजचा म्हणजे किती फुटाचा बनवायचा, काय बनवायचं, 2 फूट 3 फूट ह्यासुद्धा अजूनही गाईडलाईन आम्हाला मिळालेली नाही। त्याकरिता आम्ही हे आंदोलन शांतीपूर्वक करण्यात आले आणि सोशल डिस्टन्सचा त्याचा सप्रत्याग करून सांगण्यात आले। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पीओपी पर कायम बंदी रखी जाए मूर्ति की ऊंचाई को लेकर जल्द से जल्द गाइडलाइन देने की मांग की गई है, अन्यथा तीव्र आंदोलन का इशारा भी सोमवंशी आर्य क्षत्रिय संस्था द्वारा इस समय दिया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इन बीसीएन न्यूज नागपुर।